ओम मनोजवम मारुत दुर्लभेगम जितेन्द्रयंभो धीमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज हमारा विषय है सिंह राशि वालों के लिए जो शनि का ये परिवर्तन होने जा रहा है। शनि वक्री होने जा रहे हैं, वक्री मतलब शनि की गति उल्टी होने जा रही है। अभी सीधी मार्गी स्थिति थी और अब शनि वक्री होकर वापस जो है वो पुरानी स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज 17 जनवरी को परिवर्तित होकर कुंभ राशि में आए थे, आपके सप्तम भाव में आए थे। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव कई प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट स्थितियों की रखने वाला स्थिति रखने वाला भाव माना जाता है, कुंडली को बैलेंस करने वाला भाव माना जाता है। ऐसे में शनि की दृष्टि भी इन विभिन्न भावों प्रभाव पड़ती है और वो सबकी सब क्या कुछ होने वाली है। देखिए, हम राशि के अनुसार से बात कर रहे हैं, गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन उसके अनुसार से बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें समझना ये चाहिए कि ग्रह की वास्तविक स्थिति क्या है आपकी कुंडली के अनुसार से। सारे के सारे जो दुनिया में लोग हैं वो एक ही स्थिति में तो नहीं हो सकते। अब 12 राशियों में हम विभक्त तो कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री के अनुसार से उसके ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। वही मूल कारण है समझने का कि जिसके द्वारा हर व्यक्ति के जीवन में उन ग्रहों के गोचर के जो परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। ओवरऑल हम समझ सकते हैं क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। जैसे अब सिंह राशि वालों के लिए सप्तम में शनि चल रहे हैं और सप्तम में शनि जो होते हैं वो वहाँ पर आपके लिए जब कुंभ राशि के हों तो किस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए योग बना रहे हैं जो 17 जनवरी को परिवर्तन हुआ। ऐसे में ये परिवर्तन जब अब 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, शनि वक्री जब होंगे तो यानी जो मार्गी चल रहे सीधे रास्ते में चल रहे थे, अब यहाँ से धीरे धीरे बाकी ग्रह शनि की को कूप अप करने का प्रयास करेंगे तो शनि गति धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो शनि अपने अंशों में धीरे धीरे कम दिखने शुरू हो जाएंगे। यह ऐसी स्थिति समझे कि जब दो गाड़ियां आपस में चल रही हैं तो और ये स्पीड की ज़्यादा थी और जब ये अपनी बढ़ानी शुरू करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्थिति ऐसी लग जाएगी और इसकी स्पीड से लगना शुरू हो जाएगा कि जो ग्रह पीछे वक्र गति से होता चला जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑर्बिट में जब अलग अलग ग्रह अपनी अपनी स्पीड से घूमते हैं तो वो कोई दूर चला जाता है और दूर चला जाता है तो उसके प्रभाव से किस प्रकार का प्रभाव उसके जीवन में उत्पन्न हो रहा है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रभाव है, समझ है, तो वो हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो 17 जून को ये परिवर्तन होगा, शनि महाराज का वक्री होंगे और 4 नवम्बर तक 4.5 महीने के लिए वक्र गति चलने वाले हैं। ऐसे में और भी ग्रह शनि के साथ जो विभिन्न योग बनाने वाले वो भी बड़े विचारणीय हैं। मंगल 10 मई को परिवर्तन की तरफ गए और कर्क राशि में प्रवेश किए, नीच के हो गए और शनि के साथ षडाष्टक योग बना के रखे हुए हैं जो चलने वाला है 30 जून तक। 30 जून को शनि जो षडाष्टक योग आगे बढ़ेगा और शनि मंगल जो है वो सिंह में चले जाएंगे, समसप्तक एक दूसरे के आमने सामने युद्ध की स्थिति बना देंगे, वो स्थिति और भयावह। उसके बाद आगे फिर जाएंगे, फिर एक दूसरे छठे यानी जो 18 अगस्त को जाएंगे मंगल बदल के, वो षडाष्टक योग बना देंगे। तो ये सब स्थिति जो दिखाई दे रही है वो किसी प्रकार भी अच्छी नहीं है, चाहे विश्व के स्तर पे देखा जाए, भारत में तो इलेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं ऐसे में। तो ऐसे में बहुत विकट स्थिति, उठा पटक, हिंसा, कई प्रकार की अराजकता की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, दोषारोपण कई प्रकार की। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, आपके मुख्य प्रभाव शनि शक्ल आपके प्रभाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न राशि को देख रहे हैं, तो ये विशेष तौर पर आपके यश मान सम्मान पर कोई ना कोई परेशानी आने के लोग बना सकते हैं, सफलता के मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। भाग्य में शनि की दृष्टि जो तीसरे भाव में पड़ रही है वो विशेष तौर पर जब शनि वक्री होंगे तो उसमें भाग्य में कमजोरी लाने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए बड़ी शांति के साथ कि क्या उपाय आप करें, कैसे इनको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। आप सबसे पहले तो विशेष तौर पर उपाय को समझ लें कि क्या उपाय करके ठीक करने का हम प्रयास कर सकते हैं। आप हर शनिवार को विशेष तौर पर एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें और एक काम करें हर शनिवार के दिन एक उपाय विशेष तौर पर हम आपको बता रहे हैं, एक उपाय तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए, काली गाय को रोटी अवश्य डालने का प्रयास करें। वैसे रोट डाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि मंगल और शनि का प्रभाव चल रहा है इसलिए हनुमान जी वाला उपाय भी हमको बताना पड़ रहा है आपको, यदि वो कर सके तो हनुमान जी की कृपा तो विशेष तौर पर शनि के ऊपर रहती ही है और शनि की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ही शनि दासत्व मुक्त हुए तो वो तो कल्याणकारी है ही है, क्योंकि हनुमान जी का संबंध भी मंगल का संबंध शनि के साथ चल रहा है, इसलिए हनुमान जी का प्रयोग अवश्य करने का आप प्रयास करें।
ऐसे में आप यज्ञ भी करने का प्रयास करें थोड़ा सा, शनि के विदुक्त मंत्र से, शनो देवी रविष्ट्रया आपो भवंतु पीते, शनो रविष्ट्रवंतुना, शनि का विदुक्त मंत्र है, और इसके द्वारा यदि आहुति प्रदान कर दें कुछ तिल के द्वारा शनि के निमित्त, तो बहुत सुंदर हो सकता है, शनि के कष्टों को दूर करने वाला हो सकता है। देखिए शनि का संबंध सूर्य के साथ भी है, थोड़े तिल डालकर आप विशेष तौर पर शनि को अर्घ, काले तिल डालकर शनि को के निमित्त भगवान सूर्य को अर्घ भी देने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय हमने आपकी राशि के अनुसार से बताया है, यदि करेंगे तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। जो लोग विवाहित हैं वो खटपट की स्थिति दिखाई दे रही है, शांत रहते हुए मन के भावों को, थोड़ी उठापटक हो सकती है, कोशिश करें एक चुप सौ को हराए। अब मैंने आपको बता दिया वो ग्रह खराब चल रहा है तो आप ठीक करने का प्रयास कीजिए ना, कई तो ऐसे होंगे कि हमको ही गाली देनी शुरू कर देंगे कि महाराज ये तो फिर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल शांति हुई। अरे भैया ठीक करने का प्रयास कीजिए, ग्रह की स्थिति खराब है तो आप मत खराब होइए ना, आप ठीक करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुचान, विचार को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमने तो ग्रहों की स्थिति को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया और आशा करते हैं इन सब ग्रहों की स्थिति को समझते हुए आप इन सब अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए, देखिए एक बात समझें, ये ज्ञान विज्ञान का प्रभाव है और विज्ञान को समझते हुए यदि हम अपने उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लें तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है जिसको हम जिससे हम बच ना पाएं, जिसके दुष्प्रभाव को हम दूर ना कर पाएं। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो हर साल वक्री होते हैं, इसे तो चिंता ना करें, उसका उपाय बताया है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा हमने वो भी आपको समझाने का प्रयास किया। अपने यश मान विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, जीवन साथी का विशेष तौर पर उनके संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करें, और साथ साथ जमीन जायदाद वाले कार्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर भी थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर विशेष तौर पर कहीं कोई व्यक्ति आपको धोखा ना दे जाए, आपके मकान पर कोई कब्जा करने का प्रयास ना कर ले, उसका भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई आपके मुख से अपशब्द ना निकले, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये आपके सम्मान पर दाग लगा सकता है, तो मजाक में भी या वैसे भी अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिए। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य करेंगे तो आप अपने ग्रहों के अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। हमने उपाय कई बता दिए हैं आप, और आशा करते हैं आप अपने अनुरूप इन उपायों को कर कर, और ऐसा हमने कोई उपाय नहीं बताया आपको कि जो आप बहुत महंगा हो, खर्चा हो, आमतौर पर कोई नग पहनना, कोई बेचना, ये बहुत सारे लोग करते रहते हैं। हमने प्रयास किया है इन सीधे तारे उपायों को करने का प्रयास करें। शनि का सिद्ध यंत्र अपने नाम से सिद्ध करवाकर अवश्य रक्षा कवच के तौर पर धारण करें, अपने पास रखें, देखिए कष्ट होने दूर करने के अद्भुत रास्ते बन सकते हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए जो उपाय बताए थे उनको समझकर आप करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर होगा। हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं स्वयं दिल्ली में अपने विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान रहता हूँ, आप वहाँ पर आके हमारे यज्ञ में भाग ले सकते हैं, जो हर रविवार को यज्ञ होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ हमारे यहाँ हर रविवार को हर व्यक्ति के लिए कराया जाता है, आप स्वयं आकर उसमें बैठ सकते हैं और आपकी व्यवस्था हो सकती है, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर किसी व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं उसमें, तब उसके थोड़े खर्चे होते हैं, वो आप फ़ोन नंबर्स पर बात करके जान सकते हैं, और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद।